गाइस, आज की वीडियो में हम पांच अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो काफी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, एंड तक वीडियो को जरूर देखें, कहीं जाइएगा नहीं। अगर वीडियो नॉलेजफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगता है तो अपने मित्रों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। गाइस, यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो 32% है वो तो महिलाएं हैं और 54% जो है वो है पुरुष, ठीक है। बाकी क्या है, 196 बच्चे हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज कितनी हो गई, 4 और 2 6 5 3 8, यानी कि 86% जो संख्या है वो महिलाएं और पुरुष की है। तो बाकी बचे परसेंटेज किसके हैं, वो बच्चे के हैं। तो 100 में से 86 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 14%, यानी कि 14% जो हैं वो बच्चे हैं और वह कितनी संख्या है, 196 बच्चों के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 196/14 कितना हो गया, 14 × 14 14 × 56, ठीक है गाइस। तो कितना हो गया यहाँ पे, 40, यानी कि 1% = 40, ठीक है गाइस। क्या करना है, हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है और पुरुषों का जो परसेंटेज है वो है 54%। तो 54% कितना हो गया गाइस, 54 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 14 × 56 = 6, 8 × 5 = 5, 14 × 5 = 70, 70 × 5 = 75, कितना हो गया, 756। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या करना है आपको, 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं, दोनों ही परसेंटेज को जोड़ लेंगे, 100 में से घटा देंगे तो आपके पास में बच्चों की परसेंटेज निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे, 1% को निकाल लेंगे, 1% अगर आपका इतनी संख्या के बराबर है तो पुरुषों की संख्या पूछी है तो पुरुषों के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे पुरुषों की संख्या निकल आएगी। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें महिलाओं की संख्या पूछी होती तो क्या करते, तो 14 को 32 से गुणा करके महिलाओं की संख्या निकाल लेते। तो गाइस, अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है आपको कितना समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1, 3, 5, 7, 9, --47, 49, इन संख्याओं का औसत क्या है। गाइस, यह प्रश्न एसएससी जीडी 2015 में पूछा गया था। गाइस, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, औसत का फॉर्मूला लगा देंगे और सारी संख्याओं को नहीं लेंगे, केवल एक पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को लेकर इनको एड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा, कितना हो गया, ये 49 और 1 50, 50/2 = 25, यही आंसर है इसका, औसत क्या है 25 है। गाइस, अगर यहाँ पे कोई और संख्या दी होती आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज है और जो सीरीज का अंतर है, यहाँ सभी में 2-2 का अंतर दिया गया हुआ है, 47 और 49 के बीच में भी 2 अंतर है, तो क्या करेंगे, सीधे पहली वाली संख्या लेंगे और ये आखिरी वाली संख्या ले लेंगे, एड करते हुए उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल आएगा। तो गाइस, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपने बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। गाइस, यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। तो गाइस, पहले आपको निकालना है एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में कितना घंटा होता है गाइस, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिनट में यूनिट दे रखी है, तो आपको एक दिन को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 0 का 0 उतर गया, 6 × 24 = 4, 6 × 2 = 12 और 2 = 14, कितने हो गए, 1440 मिनट, ठीक है गाइस।
अब क्योंकि 1440 मिनट 100% के बराबर है, तो कह रहा है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक मिनट निकाल लेंगे, एक मिनट के लिए 100 को क्या करेंगे 1440 से भाग कर देंगे, और 36 मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे 36 से इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया आपने 36, अब आप इसको काट लीजिए, उसे जीरो गया। 6 छंग 36, 6 दुनी 12, 6 चौक 24, 6 चौक 24 ये हो गया 10/4, या कह सकते हैं 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, या 2.5%। तो गाइस 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है 2.5% है। तो गाइस यहाँ पर कुछ और भी दिया जा सकता था, अगर यहाँ पे मान लीजिए दिया होता कि 36 सेकंड, तो 36 सेकंड के लिए क्या करते, एक दिन को आप सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करते, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 60 से और मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना आता 86,400 सेकेंड। ठीक है, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं 86,400 सेकेंड होते हैं, तो उससे हम 36 सेकेंड के लिए एक दिन का परसेंट निकाल लेते। तो गाइज मैं आशा करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे 100/86,400 × 36। ठीक है गाइज, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ये कितना होता 36/864। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही क्या होगा परसेंट में आ जाएगा। तो गाइस मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और समझ में भी आता है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। गाइस यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो गाइस इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आदमी आदमी मतलब मैन इनटू डेज M1D1 और M2D2 करना है। ठीक है, क्या करना है M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, 35 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, तो पूछा है कितने आदमी, मान लीजिए आदमी है X, कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 10 दिन में। ठीक है, 35 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं, कितने आदमी 10 दिन में करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे 35 × 8/10। ठीक है, 5 दुनी 10, 5 सत्ते 35, 2 चौक 8, तो कितने हो गए 7 चौक 28, यानी कि 28 आदमी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। तो गाइस इसी प्रकार के कार्य संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो शेष वस्तुओं को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो गाइस यह क्वेश्चन सी टेट 2014 में आया था। तो गाइस इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 8 वस्तुओं को बेचने के बाद में 10 वस्तु का मूल्य निकल चुका है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर 2 वस्तु बची है, तो अगर 8 वस्तु हमारी 10 वस्तु के बराबर हैं, तो 2 वस्तुओं को बेचने पर आपको लाभ होगा या हानि होगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8 वस्तुओं को बेचने के बाद में 10 वस्तुओं का मूल्य निकल चुका है। ठीक है गाइस, उसने क्या करा, 10 वस्तुएं खरीदी, 10 वस्तुएं खरीदने के बाद में उसने 8 वस्तुओं को बेचा और उसको 10 वस्तुओं का मूल्य मिल गया, यानी कि अभी 2 वस्तु बची हैं। ठीक है, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि उस आदमी को लाभ हुआ है। तो 8 वस्तु का जब क्रय मूल्य क्या है, 10 वस्तु के विक्रय के मूल्य बराबर है, यानी कि 100% के बराबर है। ठीक है, तो 2 वस्तु जो बची हुई वस्तुएं हैं वो कितनी हो गई, 2 वस्तु, यानी कि 100/8 × 2 कितना परसेंट हो गया गाइस, 2 चौक 8, 4 दुनिया 8, 4 पंजे
20 यानी कि 25%, क्योंकि यहाँ पर 8 वस्तुओं को बेचने के बाद में 10 वस्तुओं के मूल्य प्राप्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें लाभ हुआ है। ये कितना लाभ हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। तो गाइस मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।